अपराधों की राजधानी बनते जा रहे राजस्थान में अपराधी अब खौफ में है, और हो भी क्यों ना, राजस्थान पुलिस ने बदमाशों पर अब शिकंजा कसना जो शुरू कर दिया। इसी प्रकार जयपुर पुलिस भी अब अपराधियों के खिलाफ मुस्तैदी से काम करती नजर आ रही है। जयपुर पुलिस आयुक्तालय के ईस्ट जिले के अलग अलग थानों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीबन 5 मामलों का खुलासा करते हुए आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इन कार्रवाइयों में लूटपाट, फायरिंग, अपहरण और धोखाधड़ी के मामले शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने राजधानी के अलग अलग थानों में मोबाइल चोरी और गुमशुदगी के दर्ज मुकदमों में कार्रवाई करते हुए करीब 131 मोबाइल बरामद किए। पुलिस ने बरामद किए गए फोनों को उनके मालिकों को वापस लौटाए हैं। मोबाइल मिलने के बाद उनके मालिकों के चेहरों पर खुशी नजर आई और पुलिस को धन्यवाद देते हुए नजर आए। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई रामनगरिया थाना, सांगानेर थाना और SMS थाना क्षेत्रों में की है। केस आपको जानकारी में होगा, काफी डॉक्टर्स को ठगी करने का एक मामले हमारे आयुक्तालय में दर्ज हुए थे। तो एक मामला सांगानेर थाने में दर्ज करवाया गया था, जिसमें फरियादी ने बताया कि मेरे से करीब 37 लाख रुपए का लोन दिलवाया, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया और ट्रांसफ़र करवाने के बाद में कहा कि आपकी क्लिनिक में पर डे आपको पर लेग 1000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। शायद आपको जानकारी होगा, इसमें करीब 23 प्रकरण कमिश्नरेट में दर्ज हैं और 80 से 90 डॉक्टर्स को, सिर्फ डॉक्टर्स को इसने इस ठग किया था। और जो चीटिंग करने वाला हुआ डॉक्टर राम लखन दिशानिया है, जो खुद डॉक्टर है, प्रैक्टिस करता था, ये एक प्रकरण में गिरफ्तार हुआ। उसके बाद में बेल आउट होते ही ये यहाँ से फरार हो गया और अपने साथी महिला के साथ में, जो नेहा जैन है उर्फ रानी जैन के साथ में, ये डूंगरपुर में अपनी फरारी काट रहा था। हमारी टीम, अवनीश जी, राम सिंह जी, महेंद्र जी की टीम को जानकारी मिली। कुछ हमारी जो तकनीकी टीम है उसने सहयोग किया और इसने कुछ गलती की, और हमने 3 दिन पहले इसके बारे में जानकारी मिली कि ये डूंगरपुर में छुपा हुआ है। तो परसों हमारी टीम गई और कल रात को इसको लेके आए और इसको डॉक्टर राम लखन दिशानिया और नेहा जैन को गिरफ्तार किया गया है। जिस रिपोर्ट में फरियादी ने बताया, ये डॉक्टर सतवीर सिंह है, इसने बताया कि मेरे से 37 लाख की इसने धोखाधड़ी की थी और जयपुर कमिश्नरेट में इसके खिलाफ, मैंने बताया, करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे तो दर्ज हैं और काफ़ी लोग इससे पीड़ित हैं। हाल ही में क्या कोई फिरौती के मामले भी इससे जुड़ा था रैंसम? नहीं, इससे हमारे को इसमें संबंध नहीं, अभी इनसे पूछताछ की जाएगी। कोई महिला के क्या बोले? महिला और ये दोनों आदमी को झांसे देने में, एक तरह से मार्केटिंग करने में उसका विशेष रोल रहा है। जब भी ये क्लिनिक में जाएं तो उस क्लिनिक में रिनोवेट करना या और बोनस दिलाना या लोन देना, इस तरह की गतिविधियों में वो इन्वॉल्व रही। पहला तो जो 15/5 को एक फायरिंग की घटना कोचिंग सेंटर पे हुई थी, उसमें जो मेन अभियुक्त सोहन बंजारा है उसको टीम ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ में कुछ चीज़ें सामने आई हैं, उनके ऊपर गहनता से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि इनके आपस में, जो आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि साहब कुछ रंजिश है, तो वो बात सामने आई है, उसमें खुलासा आगे किया जाएगा। ये जो डिलीवरी बॉय था हेम सिंह, ये कपड़े के व्यापार में डिलीवरी का काम कर रहा था और डिलीवरी इसने कुछ चूक कर दी। उस बात को लेके इन दोनों ग्रुप्स में आपस में रंजिश थी और 15/5 को इसको बुलाया गया वहाँ पे, हेम सिंह को वहाँ बिठा लिया और जो लखन सिंह गुट के आदमी हैं उन्होंने वहाँ जाके मारपीट, तोड़फोड़ करने का जो प्रयास किया था, उसी को देखते हुए इसने, सोन राम ने अपने साथ 3 आदमियों को ले गया और वहाँ पर फायरिंग की, जिसमें लखन गुजर के गनशॉट आई थी और चोट लगी थी। फायरिंग के दौरान वहाँ पर करीब 3 राउंड फायर हुए थे और इसके पास में जो गाड़ी बरामद की थी, गाड़ी में कुछ कारतूस और अन्य सामान, चले हुए खोखे वगैरह मिले थे। टीम अवनीश जी ने
काफ़ी क्लोजली सुपरवाइज करके और राम सिंह जी और महेंद्र जी की टीम ने इसका पीछा किया। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पीछा के दौरान प्रेमराज धाकड़ जो कोचिंग चलाता है गुरुकुल, उसको गिरफ्तार किया। साथ ही यहाँ से फरार होने के बाद में जिस आदमी ने इसको दूसरी गाड़ी में बिठा के सोनराम बंजारा को लेके जा रहा था, पवन सिंह, उसको 120 बी और शरण देने और मुलजिम की मदद करने में गिरफ्तार किया गया। और आज कल शाम को सोनराम बंजारा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसकी नागौर, जोधपुर, अन्य ठिकानों पर दबिश दी गई, दबाव बनाया गया और ये कल इसको गिरफ्तार किया। आगे इससे पूछताछ जारी है, इसके जो अन्य साथी हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और जो पुलिस रिमांड पे इसको लिया गया है। रात को एक व्यापारी के साथ हथियार की नोक पे रात्रि में लूट की वारदात हुई। करीब 2 बजे के लगभग यात्री अपने वो व्यापारी अपने बिजनेस को समअप करके जा रहा था तो करीब 4-5 लड़के CBI फाटक के पास उसको रोका, रोक के उनको हथियार नोक पे लगाया और जो उसके पास नकदी, मोबाइल फोन और डायरी वगैरह थी वो उसकी लूट ली और उसने तुरंत पुलिस थाना रामनगरिया पे इत्तला की। पुलिस स्टेशन की टीम ने परंपरागत पुलिसिंग करते हुए उन लड़कों को ट्रेस किया, हुलिये के आधार पे या अन्य उसकी जो बैठक के आधार पे, और 48 घंटे के दौरान इन सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया। और आज उसमें से 2 लड़के हैं वो बाल अपचारी हैं और 3 नहार सिंह, ब्रजलाल और दीपक को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग अभी इनसे पूछताछ की जा रही है कि अन्य और किसी के साथ में इस तरह की वारदातें हैं उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। एक के खिलाफ इस तरह का प्रकरण मुकदमा, आपराधिक मुकदमे का रिकॉर्ड मिला है और इसमें जो मुलजिम मेनली जो उनका यही है कि जो बालक हैं उनको आगे कर देते हैं ताकि जो रात के समय में व्यापारी को शक में वो रोक ले गाड़ी को और लिफ्ट देने के हिसाब से उनको रुकाया और फिर चारों तरफ से घेराबंदी करके उनके साथ लूटपाट की वारदात की। इसमें करीब 4500 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन लूटने की घटना घटित हुई थी। व्यापारी कैलाश सिंह है जो अपने व्यापार स्थल से जाके करीब 2 बजे के लगभग जा रहा था। टीम ने जैसे मैंने बताया परंपरागत तरीके से स्टेप टू स्टेप पूछा कि रात को कौन कहाँ पे गया था, कौन कौन, ये सारे लोग किराए पे रह रहे हैं जो हैं वो किराए पे रह रहे हैं, कौन बाहर था, कुछ तकनीकी एविडेंस ली गई और उसके आधार पर गिरफ्तार किया गया। अभी आज उनको पुलिस रिमांड लिया गया है और जो बाल अपचारी हैं उनको बाल संरक्षण न्यायालय में भिजवाया गया। हमारी जो टीम है, टीम ने बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हुए एसएमएस हॉस्पिटल में आगे पीछे जो परिजन अपने बीमार परिवारजनों का इलाज कराने के लेके आते हैं वो जल्दबाजी में या कहीं मोबाइल गिरा देते हैं या कहीं किसी का मोबाइल निकल जाता है, उसके हमारे यहाँ करीब प्रकरण दर्ज थे। और मैं पूरी टीम को ये साधुवाद और बधाई देना चाहूँगा कि एक नेक काम करते हुए एसएमएस हॉस्पिटल से करीब 131 मोबाइल भिन्न भिन्न राज्यों से, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में वो मोबाइल चल रहे थे, उन मोबाइल्स का ट्रेस किया, जिसमें हमारी ये जो टीम है नवरतन धोलिया जी, सुपरवाइज अवनीश जी और वहाँ के ACP साहब ने किया, और जो तकनीकी रूप से जो मदद करने में प्रदुमन है हमारे, जो आप लोगों को भी दिखता नहीं लेकिन वो बहुत मेहनत करता है, उसने सभी को ट्रेस करवाया। और इन लोगों ने जो हमारे ADCP साहब, ACP साहब, और इन्होंने बाकायदा रूट वाइज टीम बनाई, ये बिहार में ये हैं तो बिहार वाला ये काम करके आएगा, तो वहाँ जो मोबाइल बेचे गए थे उन मोबाइल्स को बरामद किया गया है। इसमें सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियल, MI, OnePlus कंपनियों के मोबाइल हैं और इनकी औसत कीमत एक मोबाइल की 10 से 15 हज़ार रुपये है और ये कुल 131 मोबाइल दिए गए हैं और उठा के उसको ले गए बनास नदी में
बनास नदी के खाड़ों में उसको रखा ताकि वहाँ मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं हो। उसके यहाँ घर वालों को, परिवारजनों को बनास नदी पे रोड पे आके व्हाट्सएप कॉल पे 5 लाख रुपए मांगने की फिरौती थी। और ये जो आशीष मीना है, ये अभी प्रारंभिक तौर पे ये बात सामने आई है कि ये इनसे अनजान था, लेकिन इनके कुछ जो उठा के ले जाने वालों से कुछ इसके जानकारी पहले से थी, तो आशीष को बरामद किया पुलिस ने। साथ में इसमें 4 अभियुक्तों को 365 अपहरण की धारा के अंदर गिरफ्तार किया गया। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।